और भाई कैसे हो? दिल जोर से बोलो जय माता दी। सो हेलो व्यूअर्स, एक और नया दिन और नया व्लॉग दोबारा आ चुके हैं और अभी मैं बैग वगैरह टांग के एकदम तैयार हो चुका हूँ क्योंकि जाना है अभी अपने घर। ठीक है, अभी क्या है, पहले मैं मामा जी के घर था रात, मतलब हम सब भाई वगैरह सब मामा जी के घर पे सोए और जितने बड़े लोग थे वो हमारे वाले घर पे सोए जो नया नया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम सोच रहे हैं कि जितने भाई लोग वगैरह हैं गंगा जी नहाने जाते हैं, कल नहीं जा पाए थे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, तो अभी चलते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। तो दोनों भैया लोग भी आ चुके हैं और अब चलते हैं नहाने। ने गाइस, और जितने लोग नहाए नहीं है वो नहा सकते हैं। ओके हम आ गए गंगा जी पे पर यहाँ पे नहा नहीं पाएंगे। सो अभी क्या है, पहले यार घाट हम ढूंढ रहे हैं कि किस पे आराम से नहा सकते हैं, मतलब एकदम पूरा जो प्रॉपरली हम नहा सकें क्योंकि हम तो बह जाएंगे अगर गंगा जी में जाएंगे पहले ही। तो हमें अभी हम देख रहे हैं यार कि कोई प्रॉपर घाट मिले जहाँ पे हम आराम से नहा सकें, मतलब एकदम सेफ्टी के साथ। सो यार अभी हम आ चुके हैं विश्वकर्मा घाट पे। ठीक है, तो यहीं पे अच्छी एकदम बढ़िया सी है कि भाई नहा सकते हैं आराम से। तो अभी क्या है, कपड़े वगैरह उठाते हैं और चलते हैं। और भाई देखो, हम गंगा जी में नहाने जा रहे हैं इसलिए ऐसा कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, इज्जत का सवाल है भाई। तो ठीक है, पहले नहाते हैं और फिर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा अपन आराम से। तो चलो चलते हैं अंदर। तो ये रखा है बैग, अब कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं नहाने के लिए। One hour later. So यार गंगा जी में नहा लिए, काफी मजा आया। बहुत दिनों के बाद ऐसे गंगा जी में नहा रहा हूँ, मतलब पहले आया था ना हरिद्वार, मतलब काफी टाइम हो गया था तभी नहाया था। ऐसे तो ठंड ठंड पानी, मजा आ गया, मतलब शरीर एकदम खुल सा गया, पैर एकदम ऐसे। चलो कुछ खाते यार, जाके भूख लग रही है बहुत जोर की, मतलब ऐसे नहाने के बाद है ना भूख लगती है। तो आसपास देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो खाएंगे। चलो चलते हैं। तो आयुष भाई, आप जानते हैं मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कैसा लग रहा है? कितने दिनों बाद आए हो आप? बचपन में मैं भी आ रहा हूँ, उसी टाइम आया था जब ये आया था ना तभी आया था मैं। हाँ ये तो है। खैर अब चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं और कुछ खाते हैं यार, अगर मिलेगा तो ठीक है, वरना तो घर पे जाके ही खाना है और क्या। भाई मुझे तो सच में लग रहा है कि गर्म चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गले में दर्द होने लग गया है और कानों में भी दर्द हो रहा है यार, क्योंकि प्रेशर कुछ ज़्यादा था यार पानी का। और मैं विंड फॉल्स की स्विमिंग मार रहा था, उसके अंदर ऐसे बह बह के जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे स्विमिंग ही कर रहा हूँ। अब क्या यार, एक अच्छे खासी चाय की चुस्की मिल जाए तभी जाके थोड़ा सही होगा कुछ। बैठते हैं चलो गाड़ी में। गाइज मूवी चल रही है इस टाइम। सो यार दोपहर का वक्त हो चला है और इतनी देर से मूवीज देख रहे थे और अभी क्या है, खाना वाना खाएंगे और थोड़ी देर यार लेटेंगे। थक ही रहे हैं, मतलब थक ही कह रहे हैं, मतलब कुछ काम करने के लिए है नहीं और शाम के टाइम हम जाएंगे मंदिर, मतलब
मनसा देवी या चंडी देवी आई थिंक गेस, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो अभी खाना खाते हैं और चलते हैं अंदर। तो हम खाना खाने जा रहे हैं गाइस। सो खाना वगैरह भी हो चुका है और अब सोच रहे हैं थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि 4 बजे निकलना है। तो अभी क्या है 1.5 घंटा है, तो इतना आराम करते हैं, अलार्म लगाते हैं और 4 बजे उठ के फिर चलते हैं। चल सोते हैं। 12 seconds later यार सो के उठ चुके हैं और अभी क्या है तैयार वगैरह होना है जल्दी से क्योंकि मम्मी और भैया उस वाले घर से मतलब तुम्हारा दूसरा वाला घर है वहाँ से आने वाले हैं और उसके बाद हम चलेंगे फिर मनसा देवी या चंडी देवी, देखते हैं कहाँ जाएंगे, पता नहीं मेरे को भी। चलो सो मैं हो चुका हूँ एकदम रेडी और अब चलते हैं थोड़ी देर में। निखिल चुंबईकर। तो यार काफी लेट हो चुके हैं और अब चलते हैं जल्दी। तो भाई बहुत मशक्कत के बाद भाई भीड़ भीड़ हो रही है, बहुत ही मशक्कत के बाद भाई यहाँ पे हमारी कार लगी है किसी तरह और अब हम चलते हैं। देखिए आगे निकल गए, अब हम भी भाग के जाते हैं। आयुष भाई बोल रहे हैं इस पर टंके चलते हैं। चलो आयुष भाई, अबे सच में जा रहे हो क्या भाई? सो यार भैया ने अभी मेरे को बताया कि मैं मनसा देवी पहले भी आया हूँ पर मैं बहुत छोटा था तो मेरे को ध्यान नहीं है और मैं ये जो ट्रॉली जो जा रही है ना ये पीछे ये इसमें भी बैठा हूँ, पर आज मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ और देखते हैं। देखो ये है द्वार, प्रवेश द्वार जहाँ से जो मेन जो एंट्री है मनसा देवी की वो स्टार्ट होती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सो जो मैंने आपको ये प्रवेश द्वार दिखाया है जो एंट्री गेट था तो उससे लेके अभी मतलब 3-4 किलोमीटर और ऊपर चढ़ाई करनी है, मतलब जो डिस्टेंस है वो टोटल 3-4 किलोमीटर तक का है तो मजा आएगा, देख देख थक ना जाए। तो यार ऊपर तक आते आते काफ़ी खड़ी चढ़ाई है तो थक जाते हैं, तो अभी थोड़ा रुके हुए हैं आयुष और मैं और पीछे से सब लोग आ रहे हैं अभी, उसके बाद और आगे का सफ़र जो है वो तय करेंगे। हाँ ये देखो भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है। सो ये देखिए मेरे दोस्तों की प्रजाति। हेलो चलो चलो एमएटी चलो बच्चों। हाँ इसी प्रजाति के हैं एमएटी वालों। और भाई कैसे हो? यार लंगूरों को देख के कुछ अपना पंसा लगा। सो बस हम पहुंच ही गए हैं अब। तो यहां से प्रसाद लेना पड़ेगा अभी।
यार भीड़ काफी हो रही है, ठीक है, और हमने प्रसाद वगैरह अभी जूते वगैरह निकाले हैं और अभी लाइन में लगते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो ये धागे धागे बंद रखे हैं तो यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती हैं, ये देखिए। और भाई यहाँ से व्यू आ रहा है बहुत तगड़ा। हाँ देखो फोटो खिंचवाने के लिए आ गए। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे करके सिक्के लगाए जाते हैं, ये वही कुछ मन्नत वगैरह का होता होगा। तो यार भीड़ तो बहुत है, हम फाइनली काफी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पूरा मंदिर घूम लिया है। अभी क्या थोड़ा और आगे जाना है और उसके बाद यहीं से एग्जिट हो जाएगा। सो ये पूरा एक हॉल बना रखा है जहाँ पे आराम से बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, तो ये एक तरीके का रेस्ट रूम बना रखा है इन लोगों ने, गणेश जी। सो हमारे भैया जी ने जयकारा लगाया, कैसा लग रहा है भैया जयकारा लगा के? बढ़िया लग रहा है। गले का कैसा हाल है आपके? नहीं मैं तो फिर अपनी बढ़ाई मारेंगे। सो यहाँ से अब हमें अपने जूते लेने हैं, तो जूते लेते हैं चलो। अरे भाई 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 जल्दी करो जल्दी। हाँ सो भाई फाइनली एग्जिट कर चुके हैं और अब जा रहे हैं हम दोबारा गाड़ी की तरफ। तो वही उतनी चढ़ाई या नीचे से उतरनी है तो आसान है, इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और रात भी हो चुकी है, हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़ तेज़, तो चलते हैं नीचे। सो भाई लाइटें वगैरह भी जल चुकी हैं क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था। हरिद्वार जगमगा रहा है हमारा। भैया के जूते ढीले हो चुके हैं, भैया टाइट कर रहे हैं और भैया भी भागेंगे, जोर से भागेंगे, बहुत जोर से भागेंगे। अरे यहाँ थोड़ा ऊंचा है ना भाई, मेरा थोड़ा
साइड व्यू हो जाए ना। आजा दिख जाएगा। मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ आराम से स्कूटी आ गई। सो फाइनली हम एग्जिट पे आ चुके हैं और यहाँ से एग्जिट करेंगे और चलेंगे उधर। मस्त हवाएं चल रही हैं गाइस, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, मजा आ रहा है। सो फाइनली अपने गाड़ी के पास आ चुके हैं और अब चलते हैं। तो फाइनली घर आ चुके हैं और कपड़े चेंज करते हैं और थकान इतने नहीं है, मतलब कि मैं सोचा था यार चढ़ाई वगैरह करनी है उसमें काफ़ी थक जाएंगे, पर बहुत नॉर्मल सा रहा और मतलब दर्शन भी अच्छे से हो गए। खैर अभी थके नहीं है, खाना वाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ किसी नए दिन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। ओके बाय।